इस वीडियो में हम लोग इंडक्शन चूल्हे के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडक्शन चूल्हे चूल्हे और एलपीजी गैस चुले में क्या डिफरेंस है यहाँ पर आपको इंडक्शन चूल्हे के बारे में सारी जानकारियाँ मिलेगी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बात करें उन्नीस के दशक से पहले की तो भारत में ज्यादातर लोग अंगीठी में आग जलाकर खाना बनाया करते थे इससे उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता था हालांकि अभी तक भारत में ग्रामीण लोग ज़्यादातर अंगीठी पर ही खाना बनाते हैं 1970 के दशक के बाद भारत में एलपीजी सिस्टम आया वर्तमान में भारत के 60 से 70 प्रतिशत लोगों के घर में एलपीजी कनेक्शन है आइए अब हम लोग तुलना करते हैं एलपीजी से कैसे बेहतर है इंडक्शन चूल्हा इंडक्शन चूल्हा एल के की तुलना में कहीं अधिक तेज काम कर सकता है यह तेजी से किसी भी चीज़ को गर्म कर सकता है बात करें एल की तो यहाँ ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था और इंडक्शन चूल्हे में ऊर्जा का बिल्कुल नुकसान नहीं होता है और ना ही इंडक्शन चूल्हे में गैस लीक का खतरा है और यह रसोई घर के तापमान को सामान्य रखता है बात करें एलपीजी चूल्हे की तो यहाँ खाना बनाते समय उससे सी ओ टू गैस निकलती है पर इंडक्शन चूल्हा जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है अगर आपने इंडक्शन चूल्हा खरीदने का मन बना लिया है तो किन बातों को ध्यान रखा जाए आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात आती है कितनी वाट की होनी चाहिए यहाँ पर वाट का तात्पर्य है जितना ज़्यादा वाट रहेगा उतना अधिक जल्दी गर्म करेगा अगर आप जल्द खाना बनाना चाहते हैं या आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप 1600 से 2100 सौ वाट का इंडक्शन चूल्हा परचेज कर सकते हैं अब बात करते हैं इंडक्शन के टॉप प्लेट का यह अलग अलग वैरायटी का आता है आपको ए ग्रेड वाली जर्मनी क्रिस्टल की बनी टॉप प्लेट वाली चूल्हा लेनी है हालांकि कुछ चूल्हे का टॉप प्लेट सेरमिक की बनी होती है यह क्वालिटी की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है इसलिए आप ए ग्रेड वाली जर्मनी क्रिस्टल की बनी टॉप प्लेट वाली ही इंडक्शन चूल्हे को परचेज करें इसके बाद आपको ध्यान रखना है इंडक्शन चूल्हे में आपको स्पेशल फ़ीचर वाले ही चूल्हे को परचेज करना है जैसे टच कंट्रोल होना चाहिए चाइल्ड लॉक की सुविधा होना चाहिए और टाइमर एवं स्पीड बूस्टर भी होना चाहिए इसके अलावा ऑटोमेटिक कंट्रोल की भी सुविधा होनी चाहिए इससे आपको खाना गर्म करने के बाद दोबारा बंद नहीं करना पड़ेगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है आपको फ़ैन की क्वालिटी इंडक्शन चूल्हा लेते समय आपको फ़ैन को जांच कर लेना होगा इसमें फ़ैन को चलाकर देखना होगा कि फैन से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है अगर आवाज़ आती है तो वो अच्छा क्वालिटी का नहीं माना जाएगा और अंतिम बात यह ध्यान रखनी है प्रोडक्ट की वारंटी आम तौर पर यह वारंटी एक साल की होती है आप वारंटी वाले ही चूल्हे को परचेज करें अब बात आती है इस पर कौन कौन सी बर्तन को हम लोग यूज कर सकते हैं तो इस पर यूज करने वाली बर्तन है स्टेनलेस स्टील आयरन नॉन स्टिक बर्तन इन सभी को इंडक्शन चूल्हे पर यूज कर सकते हैं अब बात करें कौन कौन सी बर्तन को यूज नहीं कर सकते हैं तो शीशे वाली बर्तन कॉपर की एलूमियम की पीतल की इन बर्तनों को इंडक्शन चूल्हे पर यूज नहीं किया जा सकता है अब बात करें कौन सा चूल्हा आपके लिए इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आपके घर की बिजली बिल की यूनिट पाँच रुपये प्रति यूनिट है तो यह चूल्हा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है अर्थात आप इसे निसंदेह परचेज कर सकते हैं अब बात करते हैं भारत में मिलने वाली टॉप पाँच कंपनियों के इंडक्शन चूल्हे की इन चूल्हों का प्राइस जो होता है वाट पर डिपेंड करता है जितनी अधिक वाट के लेंगे उतनी अधिक प्राइस होगी इन चूल्हों में मैं पहला नाम रिकमेंड करूंगा आप फिलिप्स का ले सकते हैं दूसरे नाम की बात करें तो आप ले सकते हैं प्रेस्टीज का और यह फिलिप्स से थोड़े कम प्राइस में मिलेंगे इसकी प्राइस जो मिनिमम होगी वो चौदह सौ रुपये से स्टार्ट होगी इसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा आप उषा के इंडक्शन चूल्हे को ले सकते हैं इसका प्राइस जो होगा लगभग सोलह सौ रुपये से स्टार्ट होगा नेक्स्ट चूल्हा आप परचेज कर सकते हैं बजाज का ये भी काफ़ी अच्छा होता है इसका फ़ीचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका भी सामान्यतः रेट 1800 से स्टार्ट होती है नेक्स्ट चूल्हे की बात करें इसका नाम है पीजन यह चूल्हा काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और टिकाऊ की बात करें तो अब तक मैंने यूज नहीं किया है हालांकि इसमें भी एक साल की वारंटी है तो आप इसे परचेज करके देख सकते हैं और इसका प्राइस भी अन्य चूल्हों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है इसकी प्राइस बारह सौ रुपये से स्टार्ट होगी तो कैसा लगा है वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे